आई एम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता और आज हम सब बात करेंगे अर्थ रिदम के इस मॉइस्चराइजर के बारे में। ये है अर्थ रिदम की फाइटर रिपेयर एडवांस सेल रिपेयर मॉइस्चराइजर, जैसा कि इसमें लिखा है, इसके नाम से ही क्लियर है, इट इज़ ए एडवांस सेल रिपेयर मॉइस्चराइजर। सो इसके फॉर्मुलेशन काफ़ी एडवांस्ड है और इसके इन्ग्रीडियंट लिस्ट बहुत खूबसूरत है और मुझे ये बहुत पसंद है और मैं आप सबके लिए भी इसे आज रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी कि इसमें क्या ऐसा स्पेशल है जो ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास ये मॉइस्चराइज़र है तो आपके स्किन केयर रूटीन के स्टेप्स कम हो सकते हैं। आप इस मॉइस्चराइज़र से बहुत सारे सेरम्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं, इस मॉइस्चराइजर से आप टोनर के बेनिफिट्स ले सकते हैं, बिकॉज इस मॉइस्चराइजर में बहुत ही अच्छे इमोलियंट्स हैं, बहुत अच्छे ह्यूमेक्टेंट्स हैं, इस मॉइस्चराइजर में फुल पेप्टाइड्स हैं, सॉरी। तो एक्चुअली ये मॉइस्चराइजर फुल ऑफ गुड इंग्रेडिएंट्स, आपके रेगुलर यूज़ के लिए ये बहुत बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करें, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे ही फोकस करते हैं क्योंकि इंग्रेडिएंट वाइज ये मॉइस्चराइजर बहुत खूबसूरत मॉइस्चराइजर है। तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें सबसे पहले, तो ये एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है जैसा कि आप सब जानते हैं और मैंने अपनी वीडियो में ये शेयर भी किया है कि अगर कोई प्रोडक्ट वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गुड प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूलेशन अगर वाटर के साथ किया जाए तो उसका फॉर्मूला बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो हर एक स्किन टाइप पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस मॉइस्चराइज़र की सबसे पहली बात तो यही है कि ये एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, इसमें कोई ऑयल बेस का यूज़ नहीं किया गया है। तो इसका पहला इंग्रेडिएंट डिस्टिल वाटर है। इसकी सेकंड इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो है कोकोनट एल्केन्स। ये एक बेहतरीन इमोलियंट है जो आपके स्किन को सूदनिंग का काम करता है, आपकी स्किन बैरियर को वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही इसमें सेकंड थर्ड इंग्रेडिएंट्स है कोको कैप्रिलेट, ये भी एक बेहतरीन इमोलियंट है, ये भी आपके वाटर लॉस को कंट्रोल करेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट सपल बनाएगा। इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट भी बहुत ही बेहतरीन ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइल अल्कोहल है, तो ये भी एक बेहतरीन इमोलियंट है। अब इसमें मौजूद कुछ ह्यूमेक्टेंट्स की बात करें तो इसमें अवेलेबल है सिट्राइल अल्कोहल, ग्लिसरीन, ग्लाइकोल, कार्बोमोल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन को सॉफ्ट सपल हेल्दी बनाने का काम करते हैं। और तो और इस मॉइस्चराइज़र में आप देख सकते हो कि एस्कोरबाइल विटामिन सी भी है जो एक स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी है। अगर आप विटामिन सी पे फोकस करते और जानना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हो कि विटामिन सी आपके स्किन पे कैसे काम करे। इन शॉर्ट मगर अगर मैं बताती हूँ, विटामिन सी आपके स्किन के कोलेजन पे काम करता है, आपके स्किन के स्पॉट्स पे काम करता है और आपके स्किन के लेफ्ट ओवर स्कार्स को हील करने के लिए बेहतरीन इंग्रेडिएंट है विटामिन सी। और इसमें जिस विटामिन सी का यूज़ किया गया है वो एक बहुत ही स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी है, तो वो अगर देखा जाए तो हर एक स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट भी करता है और अच्छा वर्क करता है। विटामिन सी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें इमोलियंट्स भी अच्छे हैं, ह्यूमेक्टेंट्स अच्छे हैं, इसमें जो पेप्टाइड्स अवेलेबल हैं अगर उनकी बात करें तो आप देख सकते हो इसमें मैट्रिक्स 3000 टेट्रा पेप्टाइड पालमिटॉल है। ये एक थ्री पेप्टाइड्स कॉम्बिनेशन का पेप्टाइड है। ये पेप्टाइड आपके स्किन बैरियर पे काम करता है, आपकी स्किन के स्ट्रक्चर लेवल पे काम करता है। इसमें मौजूद और एक दो पेप्टाइड्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राइपेप्टाइड 1। तो ये पेप्टाइड्स, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ पेप्टाइड्स का ये जो मॉइस्चराइजर है ये आपके स्किन बैरियर पे काम करेगा, आपके स्किन के स्ट्रक्चर लेवल पे काम करेगा। सपोज आपकी स्किन
अपर लेयर से डैमेज हो गई हो तो उसको हील करने का काम तो एक मॉइस्चराइजर करता ही है, बट आपकी स्किन अगर डीप लेयर से भी डैमेज हो गई हो, आप अगर रेगुलर ट्रेटिनोन यूज़ कर रहे हो, तो आपके स्ट्रक्चर लेवल पे काम करके आपके आपके निचले स्किन के, आप ऐसे समझ सकते हो कि स्किन की जो लेयर्स हैं तो ये पेनिट्रेट करता है डीप डाउन लेयर्स पे भी, तो स्किन के जैसे 3 लेयर्स होते हैं तो ये विद इन 2 लेयर्स तक 3 लेयर्स तक जाकर ये सारे पेप्टाइड्स काम करेंगे, आपके स्ट्रक्चर को इन्हेंस करेंगे, आपके स्किन बैरियर को इन्हेंस करेंगे, आपको एक ग्लोई सॉफ्ट सफल बेबी प्लम्पी स्किन प्रोवाइड करेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर आपकी स्किन बैरियर डैमेज हो गई हो, आप किसी तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ किया हो, या फिर आप रेटिनॉल रेगुलर यूज़ कर रहे हो, या फिर आप एसिड बेस टोनर यूज़ करते हो, तो ये मॉइस्चराइज़र तो मस्ट हैव मॉइस्चराइज़र है आपके लिए, बिकॉज इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स मुझे लगता है कि स्पेशली फॉर्मुलेटेड है उन लोगों के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो रेटिनॉल्स यूज़ करते हैं, जो ऑर्डिनरी यूज़ करते हो या मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। तो अगर आप कोई भी साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो अपने स्किन को हील करने के लिए, अपने स्किन को ग्लो इफेक्ट देने के लिए, तो आप मॉइस्चराइजर के रूप में आप इसे अपने साथ ज़रूर कंबाइन कर सकते हो, आप अपने स्किन केयर में इसे ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हैं। ये बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये तो इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात हो गई, इसकी पैकेजिंग को अगर देखते हैं तो आप सभी जानते हो अर्थ रिदम की पैकेजिंग बेस्ट पैकेजिंग होती है, मुझे तो इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद है। और इसकी ये पैकेजिंग आप देख सकते हो, ये ग्लास बॉटल में है और बहुत खूबसूरत पैकेजिंग है, येलो पैकेजिंग है और वाइट कैप है इसका। और इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाती हूँ, ये एप्लीकेशन वाइज भी बहुत खूबसूरत मॉइस्चराइजर है, इजीली ऑब्जर्व होता है आपके स्किन में और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसे अप्लाई करने के बाद, आपको कोई स्टिकीनेस ये कुछ नहीं। हाँ, आप ये ज़रूर ध्यान सकते हो कि आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी कंट्रोल्ड वे में लगा तो ज़्यादा अच्छा है, आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ ना करो, आप इसकी बहुत थोड़ी सी मिनिमम क्वांटिटी चाहिए होती है, स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और पता भी नहीं चलता, और बहुत अच्छा इफेक्ट है इसके, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और वैसे तो इस प्रोडक्ट की 700+749 प्राइस है, बट ये चूँकि अर्थ रिदम पे हेवी डिस्काउंट चलते रहते हैं और इधर तो काफ़ी चल रहे हैं, तो ये मैंने खुद ही इसको हाफ प्राइस में लिया है और आप भी इसे अवेल कर सकते हो हाफ प्राइस में, और मैं इसे लिंक डाउन भी कर दूंगी इसके साइट का जहाँ से मैंने इसे हाफ प्राइस में अवेलेबल किया है, तो आप इसे ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अर्थ रिदम प्रोडक्ट का, ये अर्थ रिदम मॉइस्चराइज़र का रिव्यू पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और फिलहाल के लिए बाय बाय, आई एम हेयर टू डिस्कस सम सिंपल साइंस ऑफ स्किन केयर। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब।